ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं ज्येष्ठ मास में शिव पूजा के बारे में। ज्येष्ठ मास में शिव पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विशेष द्रव्य हमें ऐड करना चाहिए, इसके बारे में पहले भी शायद एक वर्ष पहले वीडियो आ चुकी है, किंतु जो शिव भक्त नए जुड़े हैं उन सभी शिव भक्तों के लिए पुनः वीडियो में रिपीट करा हूं, ताकि कोई भी शिव भक्त शिव पूजा से ना चुके। देखिए, शिव पूजा का क्या महत्व है। जितने भी प्रकार के दान, तप, तपस्या, जितने भी प्रकार के यज्ञ, हवन वगैरह जो कुछ भी बताया गया है, वो शिवलिंग पूजा के अंश मात्र भी नहीं होते हैं। शिवलिंग पूजा सर्वोपरि पूजा है, इसलिए शिव पूजा का बहुत अधिक महत्व है। और इस चैनल से जो शिव भक्त जुड़े हैं वो हमेशा शिव से संबंधित कोई ना कोई उत्सव हर महीने मनाते रहते हैं। जिस प्रकार से हमने शिव के लिए दोलन उत्सव किया, झूला उत्सव किया, उसी प्रकार से पुष्प महालय या पुष्प शिवालय का उत्सव भी किन किन शिव भक्तों ने मनाया है वो मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। किन्होंने शिव को पुष्प आच्छादित किया, लिंगम के पुष्पों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पूजा की है, वो सभी शिव भक्त मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अब बात कर लेते हैं ज्येष्ठ मास में क्या विशेष द्रव्य होना चाहिए। तो ज्येष्ठ मास के लिए वर्णित है त्रिफले अर्थात तीन फलों के द्वारा, जो मुख्यतः तीन फल हैं इस सीजन के, जो तीन फल हैं जिनमें आम्र, केला और साथ ही तरबूज, ये तीन जो विशेष फल हैं इनके द्वारा आप शिवलिंग की पूजा। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो इस ज्येष्ठ मास में जो अभिषेक विशेष द्रव्य है वो है ये तीनों ही फल, इनके द्वारा आप स्वामी का अभिषेक करें। आम्रत से आप अभिषेक कर सकते हैं, केले के जूस से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर जो तरबूज है उसके जूस से भी आप स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं, तरबूज के रस से स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर एक इनका इन फलों के द्वारा स्वामी का अभिषेक करने का एक और अलग तरीका है कि इन फलों को आप छिलका हटा करके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में निकाल लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, और फिर उसमें शहद मिला करके इन टुकड़ों के साथ, इन फलों के टुकड़ों के साथ स्वामी का अभिषेक करें। जो शिव भक्त पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है पंचामृत में कैसे केले के अंदर शहद मिला करके स्वामी का अभिषेक किया गया था। बहुत पुण्यदायी ये विशेष अभिषेक द्रव्य है। आप तीनों का मिश्रण करके भी लिंगम का अभिषेक कर सकते हैं, या अलग अलग, या फिर जब भी आपको केवल एक फल प्राप्त हो रहा है तो एक से अभिषेक करें। जैसे आपको आपकी इच्छा हो, जैसे आपका सामर्थ्य हो, वैसे स्वामी का अभिषेक करें। इसके साथ ही आपको शिवालय में शीतल जल का दान करना चाहिए। जो शिव भक्त वहां आते हैं उन सभी शिव भक्तों के लिए किसी भी एक दिन जब आपकी इच्छा हो, जब आपको अवसर मिले, तब आप शिवालय में आने वाले शिव भक्तों के लिए शीतल जल का दान करें, शीतल जल की व्यवस्था करें, या फिर आप जो ठंडाई वगैरह होती है या फिर शरबत ऐसा कुछ बना करके शिव भक्तों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा और शिव की प्रसन्नता भी होगी। साथ ही ज्येष्ठ मास में आप सभी शिव भक्त पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, और जब भी आप जल का पात्र पक्षियों के लिए भरें, तब मन ही मन बोले कि ये मेरे द्वारा किया गया ये दान मेरे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। इस प्रकार से बोल करके आप पक्षियों के लिए जल का पात्र भरें। शिव पूजा में आप आम्र फल या फिर केले रख करके लिंगम पर अर्पित करके उसके बाद उन फलों को शिव भक्तों को भी दान कर सकते हैं, इससे भी शिव प्रसन्नता होती है। एक और विशेष कार्य जो आप सभी शिव भक्त इस ज्येष्ठ मास में कर सकते हैं, जो एक रहस्य भी है, जब भी ज्येष्ठ मास जैसे अब कल से प्रारंभ हो रहा है, तो आप ध्यान रखें कि बिल्व वृक्ष का जो मूल होता है, जो बिल्व वृक्ष के आसपास की जगह होती है उस पेड़ के, वहां पर एक आप घेरा बनाइए और उस घेरे को आप जल से भरकर रखिए। वो घेरे के अंदर ही वो वृक्ष का तना आना चाहिए। ऐसे घेरे को जल से आच्छादित देखकर, जल से भरा हुआ देख करके, बिल्व वृक्ष के मूल को जल से भरा हुआ देख करके शिव प्रसन्न होते हैं। ये कार्य भी आप शिव के निमित्त कर सकते हैं और शिव प्रसन्नता और शिव सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ज्येष्ठ मास में शिव पूजा के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।